नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि सिहाग जी की कॉपी का आंसर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं ये कैंसर क्या है, कि मीडिया एथिक्स से आप क्या समझते हैं। वर्तमान में मीडिया एथिक्स की स्थिति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो मीडिया एथिक्स जो है एक बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है इस समय, और ये नए मुद्दों में भी शामिल है। नए मुद्दे जैसे ओशन का मुद्दा हो गया, साइबर स्पेस का, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया, स्पेस का मुद्दा हो गया, तो ऐसा ही एक मीडिया एथिक्स का भी मुद्दा है। तो आइए देखिए रवि सिहाग जी ने जो है पहले इसका लिखा कैसे है, कि मीडिया के सभी उपादानों जैसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरटेनमेंट मीडिया द्वारा सामाजिक हित के लिए अपनाए जाने वाले नैतिक प्रतिमानों को मीडिया एथिक्स कहा जाता है। इसमें मुख्यतः क्या क्या आते हैं, देखिए। राजनीतिक तटस्थता आती है, किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी जाँच करना आवश्यक होता है ताकि येलो जर्नलिज्म ना हो जाए, और भेदभाव एवं पूर्वाग्रह युक्त खबरों को प्रकाशन ना करना इसमें शामिल होता है। खबरों की वस्तुनिष्ठता इसमें बनाए रखना जरूरी होता है। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं भड़काऊ खबरों का प्रसार ना करना जरूरी होता है। अभी हाल में आप लोग जान भी रहे हैं, रविशंकर और व्हाट्सएप में थोड़ा विवाद भी हो गया था, तो अभी जो है इस पर कुछ निर्णय भी आए हुए हैं, तो आप उससे भी कोट कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो ये, चूँकि ये बहुत पहले का आंसर है सियाग जी का, नहीं तो उन्होंने ज़रूर कोट किया होता। वर्तमान में मीडिया एथिक्स के प्रतिमानों का संकट पैदा हो रहा है, जिसकी वानगियाँ इस प्रकार है। पेड न्यूज की घटना है, जैसे चुनाव में जो राजनीतिक दल होते हैं वो पैसे देकर न्यूज चलवाते हैं। न्यूज चैनलों एवं अखबारों की राजनीतिक झुकाव, न्यूज चैनलों एवं अखबारों का राजनीतिक झुकाव, सोशल मीडिया में चल रहा है घृणित दृश्य, भड़काऊ भाषण, केक न्यूज, सॉरी फेक न्यूज, और ये देखिए इन्होंने पहले केक ही लिखा था, और हेट स्पीच जो सामाजिक सौहार्द नष्ट कर रहे हैं, और इनका घा है देखिए येलो न्यूज, और मीडिया ट्रायल जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे मीडिया ट्रायल आप लोग भी जानते हैं कि किसी चीज़ का है न्यायालय में ट्रायल होने से पहले वो उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है, तो न्याय व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। और इसका जो है मत परिवर्तन, निजता का उल्लंघन, स्टिंग ऑपरेशन के मुद्दे, उदाहरण के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका का हालिया मुद्दा। अब इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का मुद्दा शामिल तो किया है, और मत परिवर्तन, निजता, चूँकि ये सब भारत में भी जो है होते हैं, लेकिन इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का ही मुद्दा शामिल किया है। कि इसका एक कारण है कि आपको ऐसे मुद्दे लिखने होंगे कि जो वैश्विक परिदृश्य में भी हों और जो काफ़ी फेमस भी हों और जिनका जो है भारत पर निगेटिव असर ना पड़े, तो आप ऐसे मुद्दे भी आपको शामिल करने चाहिए। इस प्रकार वर्तमान में भारत में मीडिया एथिक्स की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इस हेतु व्यापक आचार संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए। इंटरटेनमेंट प्राइवेसी कंपनियों का सहयोग लेना चाहिए, फेसबुक गूगल जैसी कंपनियों का के सहयोग से सामाजिक नियंत्रण करना चाहिए, मीडिया और आदि पर प्रयास किए जाने चाहिए। अब देखिए इन्होंने जो है निष्कर्ष निकले में जो है बहुत ही चालाकी का परिचय दिया है। तो चालाकी ऐसी है कि आप जब कभी किसी का भाषण सुनिए मीडिया में, मीडिया के लिए किसी सरकारी ऑफिसर का भाषण सुनिए या किसी और का सुनिए, तो वो जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट का ही कुछ ऑर्डर ले लीजिए, वो बताते हैं कि मीडिया में अभी काफ़ी रेगुलेशन की ज़रूरत है, और मीडिया को जो है उसमें उसके एथिक्स का जो है वो उन्हें पालन भी करना चाहिए अपने हिसाब से। तो उन्होंने वहाँ से ये उठाया है, और इन्होंने जो है उन्होंने ये भी बताया कि इस मीडिया एथिक्स की स्थिति संतोषजनक नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से, ये चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे कि बहुत ही संतोषजनक है और ये ऐसा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने बता पूरा जो है वहाँ से आंसर लिया, उसे कोट किया, और उसके बाद जो है इन्होंने जितने प्राइवेट इंटरनेट कंपनियाँ हैं और इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, फेसबुक गूगल जैसी कंपनियाँ हैं, इनको भी इन्होंने डाल दिया, और ओवरऑल इनका आंसर बहुत ही गजब का है। आपको इनका आंसर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।